नागपुर के सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए इस मांग के साथ आज संविधान चौक पर भाजपा अल्पसंख्यक कमेटी के नागपुर अध्यक्ष की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने आघाड़ी सरकार को खूब कोसा। उनका कहना है कि सरकार खुद तो सभाएं ले रही है मगर धार्मिक स्थलों को नहीं खोल रही है। इस विषय पर महाराष्ट्र टीवी 24 ने आंदोलनकर्ताओं से बात की है। धार्मिक स्थलों को खोला जाए इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान चौक पर आंदोलन किया है। उनका क्या कहना है हम जानेंगे। मुझे बताइए, आज आप धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, क्या कारण है उसका? देखिए, कारण तो ऐसा है कि कोरोना के नाम से आघाड़ी सरकार तो एक धब्बा है। इन्होंने 2 साल से आस्था के खिलाफ खिलवाड़ खेल रहा है। ये खिलवाड़ इन्होंने एक रंजिश के तब से इन्होंने उद्योगपति के जो है दारू की दुकान सबसे पहले खोला है, उसके बाद इन्होंने मॉल खोला है, उसके बाद इन्होंने सिनेमा घर खोला है, उसके बाद इन्होंने व्यापार संकुलन खोला है, और आज कोरोना जब भी लग रहा है उदय ठाकरे जब ये बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं पश्चिम महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में मीटिंग कर रहे हो, तब कोरोना नहीं लग रहा। कोरोना उन्हें धार्मिक स्थल से क्यों लग रहा है? मैं इस आघाड़ी कर को सरकार को चैलेंज करता हूँ कि आने वाले दिन में अगर ये धर्म स्थल अगर जल्द से जल्द नहीं खोला गया तो मैं इनके खिलाफ खुलेआम इनके पुतले जलाऊंगा।